बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू रिग्रेस मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर उस्मान अहमद मंसूर। वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑफ टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फॉर्मल कॉन्टेंट ऑफ टूडेज लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट एज येट। आज की जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, यानी अब ये डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस की एक एग्जाम्पल है और ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा। ये ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिससे मजीद एग्जाम्पल्स निकल आए आपके पास, ये एक अपनी नोयत की अनोखी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, क्यू इज द नोटेशन फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वेरी क्विकली, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, लोएस्ट फॉर्म में ले जाकर पी और क्यू क्या हो, इनका जीसीडी 1 हो, पी क्यू नॉन जीरो हो, ठीक है, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो। ऐसे सेट, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल। एज अ सब स्पेस ऑफ आर, मैं इस वर्ड को हाईलाइट करता हूं, सब स्पेस। जब आप सब स्पेस की बात करते हैं तो इट मीन्स कि कोई सुपर स्पेस मौजूद है, यानी कि टोपोलॉजी की सेंस में सब स्पेस का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब है कि एक मेन टोपोलॉजिकल स्पेस उससे ऊपर मौजूद है। बिकॉज सब स्पेस किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का ऐसा सबसेट जिसपे एक खास अंदाज में रिलेटिव टोपोलॉजी जो बनाई जाती है, जो कि मैं अभी रफ में लिख भी दूंगा, वो मौजूद हो तो वो उस गिवन मेन टोपोलॉजिकल स्पेस की सबस्पेस बन जाती है। और सबस्पेस इसकी जब आर के बतौर सेट ऑफ रैशनल्स को बतौर सबस्पेस जब लिया जाता है, इसकी सबस्पेस के तौर पे सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो टोपोलॉजी है, यानी जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, बिकॉज यू ऑल नो कि जब आर पे टोपोलॉजी मेंशन ना हो तो इट इज द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी कि जब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की सबस्पेस को बतौर सबस्पेस ऑफ आर लिया जाए तो वो डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगी। बिकॉज ऑब्वियसली क्यू के ऊपर भी तो टोपोलॉजिकल स्पेस का स्ट्रक्चर मौजूद है ना, क्योंकि वो आर की मदद के तहत आर। थोड़ा सा मैं इसको रफली एक्सप्लेन करता हूं कि अगर एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, ठीक है, तो अगर कोई सबसेट है वाई एक्स का वाई, ठीक है, तो अब अगर हम वैसे तो वाई पे बहुत सी टोपोलॉजीज हो सकते हैं दी जा सकती हूं, मगर जब इस खास अंदाज में टोपोलॉजी दी जाएगी तो तभी वो उसका सबस्पेस कहलाएगी। सबसेट तो वो ऑलवेज रहेगी, लेकिन टोपोलॉजिकल सबस्पेस कब बनेगी, जब वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसमें कौन से मेंबर्स हो, यू सबसेट्स ऑफ वाई सच दैट यू इज इक्वल टू वी इंटरसेक्शन वाई, वेयर वी इज ओपन इन एक्स। ये इसकी सेट थ्योरेटिक फॉर्म है। सिंपल लफ्जों में क्या करना है कि जो जो सेट एक्स की टोपोलॉजी में ओपन है, यानी एक्स की टोपोलॉजी का मेंबर है, उसकी इंटरसेक्शन आप एक्स के उस सबसेट से लेते जाओ जिसके ऊपर आप टाउ वाई देना चाहते हो। तो जब वो इंटरसेक्शन आप करते जाओगे वी इंटरसेक्शन वाई, तो जो चीजें आ रही हैं उनको यहां लिखते जाओ। जब ये कलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये कलेक्शन टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। रिलेटिव टोपोलॉजी का लेक्चर मौजूद है, देखा जा सकता है। तो क्योंकि ये टोपोलॉजी बन रही है और ये अपनी सुपर सेट की टोपोलॉजी की मदद से आ रही है, देखिए वाई और एक्स में भी रिलेशन है और टाओ वाई और टाओ में भी रिलेशन मौजूद है, क्योंकि टाओ वाई के मेंबर टाओ की मदद से ही बनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से ये सब स्पेस है किसकी, मेन टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। सेम कंडीशन यहां पर है कि क्यू के अंदर कौन से सेट्स ओपन होंगे, क्यू की टोपोलॉजी में कौन से सेट्स होंगे, वो सेट्स जो आर के ओपन सेट्स की क्यू के साथ इंटरसेक्शन लेकर आएंगे। यानी आर में जो जो ओपन है उसकी इंटरसेक्शन क्यू के साथ करते जाओ और एक कलेक्शन बना दो, तो वो जो कलेक्शन है वो क्यू पे क्या देगी, टोपोलॉजी देगी। यानी वो टोपोलॉजी एक खास टोपोलॉजी है, इसको सब स्पेस टोपोलॉजी कहा जाएगा, और क्यू को क्या कहा जाएगा, सब स्पेस, या उस टोपोलॉजी को सबस्पेस टोपोलॉजी कह सकते हैं या आप उसको रिलेटिव टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। हमें यह साबित करना है कि जब क्यू पे रिलेटिव टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर ली जाएगी तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस जो क्यू के ऊपर बनेगी वो क्या होगी, डिस्कनेक्टेड होगी। ये एक्चुअल सारा जो इसके अंदर जो ताने बाने मिल रहे हैं वो उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दी, ठीक हो गया। इसको हम डिस्कनेक्टेड प्रूव करेंगे। इसका मतलब कि क्यू की टोपोलॉजी के अंदर अब आपने दो सेट्स ऐसे तलाश करने हैं
कि जिनकी यूनियन किसके बराबर हो क्यू के और उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो और ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी तो होंगे हो ठीक हो कंसिडरिंग रिलेटिव अब मैं ये फिक्रा लिख सकता हूं क्योंकि मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन क्यू और किसके लिहाज से क्यू के किसी सुपरसेट की टोपोलॉजी के लिहाज से बात होगी और वो कौन सी है आर लिया हुआ यहां पर ऑन क्यू विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर R की यूजुअल टोपोलॉजी के मेंबर्स क्या होते हैं या वो ओपन इंटरवल्स होते हैं या वो ओपन इंटरवल्स की यूनियंस होती हैं लेक्चर नंबर 2 यूक्लिडियन टोपोलॉजी इन R देखा जा सकता है कंसीडर रिलेटिव टोपोलॉजी इन Q विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी इन R टू प्रूव Q विद दिस टोपोलॉजी यानी Q पे जब रिलेटिव टोपोलॉजी मानी जाए इज डिस्कनेक्टेड यानी आप डिस्कनेक्शन तलाश करो इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान भी होते हैं लेकिन हो सकता है कि एक सेट आपने लिया वो किसी टोपोलॉजी के लिहाज से कनेक्टेड हो लेकिन किसी दूसरे टोपोलॉजी के लिहाज से कनेक्टेड ना हो तो सेट से ज्यादा मेन चीज वो टोपोलॉजी है बिकॉज वो टोपोलॉजी डिटरमिन कर रही है कि कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेडनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इज दिस To prove Q with this topology is disconnected. ठीक हो गया अब मैं इसकी disconnection बनाता हूं Let R be an RB query irrational number. R क्या है एक arbitrary irrational number है आपके पास रियल लाइन के ऊपर से ही होगा ऑफकोर्स एवरी इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर टेक ए इज इक्वल्स टू क्यू इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू आर एंड बी इज इक्वल्स टू क्यू इंटरसेक्शन आर कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी यानी कि क्यू की इंटरसेक्शन इस सेट से लेकर एक और सेट आएगा उसको क्या नाम दे दिया ए का और Q के इंटरसेक्शन इस सेट से लेकर एक और सेट ले लिया एक और सेट आएगा उसको क्या नाम दिया B का बेसिकली ये वो कह रहा है कि ये R है तो अब हम R को इंक्लूड नहीं कर रहे और बाकी सब चीजें इंक्लूड कर रहे हैं और R के अगेंस्ट जो दो इंटरवल्स बन रहे हैं उनकी बारी बारी इंटरसेक्शन ले रहे हैं किससे Q से अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये पूरा सेटअप क्यों किया जा रहा है कैसे हो रहा है क्या है लॉजिक इसके पीछे लेट्स सी interval is an open subset of R with respect to usual topology on R ठीक है R के ऊपर जब भी usual topology ली जाएगी तो कोई भी open interval of course आप जानते हैं कि open interval एक subset तो है ना R का क्योंकि वो real line पे मौजूद है हर ओपन इंटरवल एक ओपन सबसेट है आर का इस टोपोलॉजी के लिहाज से बिकॉज ओपननेस तो टोपोलॉजी के अतबार से बताई जाएगी जब आप उसको यूजुअल टोपोलॉजी लेंगे एंड मुमकिन है कि कोई और टोपोलॉजी ली जाए तो हर ओपन इंटरवल ओपन ना हो आर के अंदर ठीक है मगर जब हम यूजुअल टोपोलॉजी ले रहे हैं तो वहां ओपन है और जब मेंशन नहीं होती तब तक क्या लेना है यूजुअल टोपोलॉजी ही कंसिडर करना है ठीक है इसका मतलब है कि ये दोनों भी ओपन इंटरवल्स थे आर ओपन सबसेट्स ऑफ आर ये आर के अंदर ओपन है आर में जो जो ओपन है उसकी इंटरसेक्शन जब जब क्यू से ली जाएगी तो वो क्यू की रिलेटिव टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा यानी कि सबस्पेस टोपोलॉजी जो क्यू पे मौजूद है उसके लिहाज से वो चीज ओपन होती जाएगी इट इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी कॉमा आर
एंड क्यू इंटरसेक्शन आर कॉमा इंफिनिटी आर ओपन, ये ओपन किसमें होंगे, क्यू के अंदर ओपन होंगे, ओपन सबसेट्स ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन क्यू। क्यू के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी है वो आर की मदद से आ रही है, उसके लिहाज से ये दोनों ओपन हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए एंड बी आर ओपन सबसेट्स ऑफ क्यू। कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल क्लियर है कि ये जो क्यू के सबसेट्स हैं ये किस टोपोलॉजी के अतबार से है, मतलब वो रिलेटिव टोपोलॉजी पीछे काम कर रही है, वो सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आर ओपन सबसेट्स ऑफ क्यू। तो ऑफ कोर्स या ऑब्वियसली ए बी आर नॉन एम्प्टी। तो स्टूडेंट्स क्यों है ये नॉन एम्प्टी, आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर इनफिनिट मैनी नंबर्स हैं और इसमें यकीनी तौर पे रैशनल्स भी हैं। तो जब वो वाले रैशनल्स जो यहां मौजूद हैं वो इसके आंसर में आ जाएंगे बिकॉज इंटरसेक्ट हो रहा है, एंड ऑफकोर्स वो इनफिनिट मैनी रैशनल्स होंगे तो सेट नॉन एम्प्टी हो गया। सिमिलर लॉजिक के तहत ये भी नॉन एम्प्टी हो गया। तो ये ए और बी नॉन एम्प्टी भी है और ओपन भी है। अगर आप इनकी यूनियन को क्यू के बराबर शो कर दें बिकॉज आप क्यू की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और इनकी इंटरसेक्शन को एम्प्टी शो कर दें तो ये जो ए और बी है ये डिस्कनेक्शन बन जाएगी किसकी, क्यू की, और आपका मसला हल हो जाएगा। नाउ क्यू इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी कॉमा आर इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर कॉमा इन्फिनिटी। क्यू और क्यू रिपीट हो रहा है और थ्रू आउट इंटरसेक्शन है तो आप क्यू इंटरसेक्शन क्यू आपके पास क्यू आ जाएगी वापस। इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी कॉमा आर इंटरसेक्शन आर कॉमा इन्फिनिटी। अब अगर आप इन दो की इंटरसेक्शन पहले लें दोनों इंटरवल्स की तो आप देख सकते हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि जहां पे वो खत्म हो रहा है उस पॉइंट को छोड़ के वो आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गई और क्यू की इंटरसेक्शन जब फाई के साथ ली जाएगी, ऑफ कोर्स फाई में कुछ है ही नहीं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कोई एक टर्म ऐसी नहीं जो यहां मौजूद हो और वहां तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये डिसजॉइंट भी है। इट इंप्लाइज ए एंड बी आर डिसजॉइंट। लास्टली सिर्फ क्या प्रूफ कर दें कि इन दोनों की जो यूनियन है वो क्यू के बराबर है तो वहां से सारा मसला हल हो जाएगा। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ए कितना है आपके पास क्यू इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू आर और इसकी यूनियन किसके साथ है क्यू इंटरसेक्शन आर कॉमा इंफिनिटी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद करें तो वो क्या था, अगर आपके पास ऐसी चीज हो इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी तो आप इसको क्या लिख सकते थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बल्कि आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज लिखी जाती थी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था यूनियन और इंटरसेक्शन जब मिक्स हो रही होती है, ए टाइम्स इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आप अगर ए बी और ए देखें ये रिपीट हो रहा है तो एग्जैक्टली सेम शेप आ रही है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा इसको देखते हैं, क्यू आ जाएगा इंटरसेक्शन व्हाट, इंटरसेक्शन विल बी आपके पास क्या चीज इंटरसेक्शन बनेगी माइनस इंफिनिटी टू आर यूनियन आर टू इंफिनिटी। ये हमने स्टूडेंट्स क्या यूज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल कर लिया। अब हम देखते हैं यहां से हमें क्या चीज मिलती है। देखिए इस पूरे सेट के अंदर सिर्फ
ये तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं सवाय आर को छोड़, बिकॉज आर को यहां भी इंक्लूड नहीं किया, वहां भी इंक्लूड नहीं किया, आर से पीछे वाले सारे और आर से आगे वाले सारे इंक्लूड हैं। तो आप इसको सेट की लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स अदर देन आर, ठीक है। अब क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर, ऑफ कोर्स अगर आर में से एक, अब ये स्मॉल आर क्या था याद रखें, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इस कैपिटल आर में से इस इरेशनल नंबर को निकाल भी दूं, ठीक है, तो उसका इस सेट से कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज क्यू में तो कोई इरेशनल नहीं पड़ा हुआ, क्यू में सारे रैशनल, जितने भी रैशनल हैं क्यू में, मुझे क्या वो इस सेट में नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, बिकॉज तमाम रियल नंबर्स हैं इधर सवाय इस आर को छोड़ के, और ये आर इरेशनल है, यानी तमाम रैशनल्स यहां एज इट इज पड़े हुए, इसका मतलब ये पूरा सेट इसमें कंटेन कर रहा है। तो जब भी इंटरसेक्शन की बात हो और एक सेट दूसरे में कंटेन करे, तो वो छोटा वाला सेट जो कंटेन हो रहा होता है वो इंटरसेक्शन का आंसर होता है, बिकॉज क्यू इज कंटेन्ड इन दिस सेट। ये आपके पास सिचुएशन आ गई, तो आपने देखा कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, क्यू के। इट इंप्लाइज ए कॉमा बी इज अ डिसकनेक्शन ऑफ क्यू, इट इंप्लाइज क्यू इज डिस्कनेक्टेड, और क्यू के ऊपर कौन सी टोपोलॉजी है, सबस्पेस टोपोलॉजी, किसकी मदद से, यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ आर। स्टूडेंट ये था आज का रिजल्ट, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, थ्योरेटिकल वे में हमने इसको देखा, होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज। थैंक यू।